हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है कुशियारा रिवर क्यों डिस्कस कर रहे हैं, आइए जानते हैं। सो व्हाई इट वाज इन न्यूज, बिकॉज अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट इज MOU वाज साइन ऑन शेयरिंग ऑफ द वाटर्स ऑफ द कुशियारा रिवर, अ डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ द बैरक रिवर विच फ्लोज थ्रू असम देन ऑन टू बांग्लादेश ड्यूरिंग बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना विजिट टू इंडिया। अभी रिसेंटली जैसे कि प्राइम मिनिस्टर जो बांग्लादेश के हैं उन्होंने इंडिया विजिट करा है, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द बांग्लादेश एंड इंडिया इन दोनों के बीच में क्या हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है जिसमें वाटर एग्रीमेंट की बात करी है। किसके वाटर एग्रीमेंट, कुशियारा रिवर की वाटर शेयरिंग की बात करी है। तो आपको ये चीज याद रखनी है, तो इस वजह से ये रिवर हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाती है। अगर हम बात करें कि रीजन क्या है जो ये हम एग्रीमेंट साइन करना चाह रहे हैं या बांग्लादेश हमारे साथ साइन करना चाह रहा है, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये लिखा हुआ है दैट द एग्रीमेंट इज एम्ड, एग्रीमेंट का एम क्या है, एट एड्रेसिंग द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम दैट द चेंजिंग नेचर ऑफ बैरक रिवर। तो आपको याद रखना है जो रिवर है उनका नेचर बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशन। तो वो क्या रहा है बेसिकली, If this is India and this is Bangladesh, अगर बैरक रिवर यहाँ से यहाँ पे आ रही है तो इसकी चेंजिंग नेचर की वजह से क्या हो रहा है, जब ड्राई सीजन होता है, जब एक्चुअली पानी चाहिए है बांग्लादेश में, तब पानी वहां पे जाता नहीं है, बट जब वहां पे पानी नहीं चाहिए मतलब जब मानसून का टाइम होता है तो बहुत ज्यादा हेविली फ्लड्स हो जाते हैं वहां पे। क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशन एंड द चेंजिंग नेचर ऑफ द रिवर। तो इस वजह से इस कुशियारा रिवर के एग्रीमेंट की वाटर शेयरिंग की बात करी जा रही है, क्योंकि ड्राई सीजन जब होता है, जब पानी बहुत ज्यादा चाहिए होता है क्रॉप्स को, तब मिलता नहीं है। तो उस एक टॉपिक को लेके, उस एक मसले को लेके ये बातचीत हो रही है। आइए आगे चलते हैं। कुशियारा रिवर जैसे कि आपको एक डायग्राम दिख रहा है, ये जो रेड कलर की बाउंड्री है दिस इज बांग्लादेश और इसके बाहर इंडिया है, तो ये आ रही है यहाँ से, दिस इज कुशियारा रिवर। तो आपको याद रखना है इट इज कमिंग फ्रॉम इंडिया, इट इज द डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ द बैरक रिवर और वो बांग्लादेश में एंटर कर रही है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि कुशियारा रिवर किस साइड से आ रही है, नॉर्थ ईस्टर्न वाली पोर्शन को आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। आगे चलते हैं और जानते हैं इसके बारे में। जो हमारे पास ये रिवर है इट इज वन ऑफ द ट्रांस बाउंड्री रिवर। ट्रांस बाउंड्री रिवर क्या होता है, ट्रांस बाउंड्री रिवर या इंटरनेशनल रिवर, इंटरनेशनल रिवर भी बोला जाता है। ऐसा क्यों बोला गया है, ऐसा इसलिए बोला गया है क्योंकि अगर कोई भी रिवर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रही है, एक कंट्री का जो बॉर्डर है उसको क्रॉस करके दूसरी कंट्री की टेरिटरी में जा रही है, तो उसको बोलते हैं ट्रांस कंट्री या फिर हम बोल सकते हैं ट्रांस बाउंड्री, बिकॉज वो एक कंट्री का बॉर्डर क्रॉस करके दूसरी कंट्री में एंटर कर रही है, तो वो इंटरनेशनल रिवर बन जाती है। तब कोई एक कंट्री की ऑटोनॉमी नहीं हो सकती क्योंकि उसकी वो बाकी कंट्री में भी क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। सो ये वाली जो रिवर है इट इज वन ऑफ द ट्रांस बाउंड्री रिवर्स ऑफ द बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ इसके अलावा इंडिया 54 रिवर्स को क्या करता है, शेयर करता है, जिसके लिए हमारे पास जॉइंट रिवर कमीशन भी है जो दोनों कंट्रीज इकट्ठे शेयर करके बनाया है, जो अगर कोई रिवर डिस्प्यूट होता है तो उसमें वो इंटरफेयर या हेल्प करता है मसले को सॉल्व करने के लिए। तो ये कुछ चीजें जो आप याद रख सकते हो। अगर हम कोर्स की बात करें कि जो ये कुशियारा रिवर है ये किस तरीके से बनती है, किस तरीके से कहाँ पे एंट्रेंस होती है, तो देखिए कहाँ से शुरू होती है, बारिश शुरू होती है असम में से। असम कहाँ पे है, इंडिया में। सो बैरक रिवर कहाँ से स्टार्ट हो रही है, असम में, इंडिया में, और ये कहाँ पे बॉर्डर बना रही है, नागालैंड और मणिपुर की स्टेट्स का भी बॉर्डर बना रही है। तो अभी तक हम बैरक रिवर से शुरू कर रहे हैं, जो बैरक रिवर है कहाँ से फ्लो हो रही है, असम से हो रही है, असम से बाहर निकल रही है, उसके बाद नागालैंड और मणिपुर का भी बॉर्डर बनाती है। उसके बाद क्या होता है, जो ये रिवर है ये सेपरेट हो जाती है टू ब्रांचेस में। This river, they separate, this particular river, it separates into two branches. वो two branch कौन सी है, North West Arm and South West Arm. देखो अब ध्यान से समझना है आपने, जब उसने border बना दिया नागालैंड और मणिपुर states का, उसके बाद वो enter कर जाती है बांग्लादेश। तो ये वाला जो पूरा course है ये बांग्लादेश का, इससे ऊपर वाला ये वाला
जो कोर्स है ये इंडिया का है। तो बैरक रिवर जैसे ही सेपरेट हो जाती है टू ब्रांचेस में, नॉर्थ वेस्ट को बोल देते हैं सूरमा और जो साउथ वेस्ट है उसको बोलते हैं कुशियारा। उसके बाद जो कुशियारा है वो दोबारा से रिज्वाइन कर लेती है सूरमा को। किस जगह पे? कलिनी एक जगह है, उस जगह पे कलिनी एक जगह है बांग्लादेश में, जहां पे ये वाली दोनों जो हमारे पास ब्रांचेस हैं दोबारा मिलके क्या बन जाती है? कलनी बन जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है? एक और ब्रांच, एक तो हमारे पास ये कलनी बन गई, इसके अलावा हमारे पास धानु एक और रिवर ब्रांच है जो दोनों मिलके क्या बना देती है? मेघना। तो ये आपको याद रखना है, ये पूरा का पूरा कोर्स है कुशियारा रिवर का। बैरक से शुरू होती है, बैरक नागालैंड और मणिपुर स्टेट का बॉर्डर बनाती है, उसके बाद बांग्लादेश को एंटर कर जाती है, दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है नॉर्थ एंड साउथ। जो नॉर्थ वेस्ट है उसमें सूरमा, जो साउथ वेस्ट है उसको बोल देते हैं कुशियारा। फिर दोबारा ये दोनों कंबाइन हो जाती है, क्या बन जाती है? कल्ली कंबाइन हो जाती है धानों के साथ, देन इट बिकम्स मेघना। तो आपको ये पूरा का पूरा जो कोर्स है ये याद रखना है कि किस तरीके से बैरक से शुरू हो रहा है, कहाँ पे कुशियारा है, और हमारे पास इसी रिवर के बारे में, इसी रिवर की वाटर शेयरिंग की बात चल रही है। ये देखिए, ये हमारे पास बैरक रिवर आ रही है, कहां से आ रही है? इंडिया से। तो ये इंडिया से आती 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 आ गई, उसके बाद डिवाइड कर जाती है सूरमा में और कुशियारा में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बैरक रिवर आ रही है, उसके बाद इट इज डिवाइडेड टू सूरमा एंड कुशियारा। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। जो कुशियारा रिवर है इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटरी, ये एक डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर है। अगर आपसे पूछा जाए डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर क्या होता है, तो हमारे पास जो रिवर सिस्टम है, रिवर सिस्टम में होती है ट्रिब्यूटरी और एक होती है डिस्ट्रीब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी जो मेन रिवर में आके जुड़ती है, डिस्ट्रीब्यूटरी जो मेन रिवर को छोड़ जाती है। ये जैसे मेन रिवर है, अगर इसमें कोई रिवर आके जुड़ रही है, पानी लेकर आ रही है और ये मेन रिवर में आके जुड़ रही है, तो इसको क्या बोल देते हैं? ट्रिब्यूटरी। इसको फिर ट्रिब्यूटरी बोलेंगे, मेन रिवर में पानी लेके आ रही है। अगर इस मेन रिवर से कोई बोल सकते हैं हम ब्रांच बाहर निकल रही है पानी लेके, तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। तो कुशियारा क्या है? डिस्ट्रीब्यूटरी है। बैरक रिवर से पानी लेके क्या निकल रही है? बाहर निकल रही है। तो याद रखना है इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर इन बांग्लादेश एंड असम। असम में भी वहां से आ रही है। इट फॉर्म्स ऑन इंडो बांग्लादेश बॉर्डर। आपको पता है एज द ब्रांच ऑफ द बैरक रिवर व्हेन द बैरक सेपरेट्स इनटू कुशियारा एंड सूरमा। और हमने यही डिस्कस करा है कि उसकी जो डिवीजन है कुशियारा और सूरमा में हो जाती है। तो आपको ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो याद रखनी है। द वॉटर्स ऑफ कुशियारा पिक्स अप ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम मणिपुर, मिजोरम एंड असम। ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना कि जो वॉटर्स है कुशियारा की वो ट्रिब्यूटरीज भी उठाते हैं कहां से? मणिपुर, मिजोरम एंड असम से। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है। जो हमारे पास कुशियारा रिवर है, ये कुशियारा रिवर से हम वाटर को कैसे डाइवर्ट करेंगे? हमने समझ लिया, एग्रीमेंट कर लिया कि हमने कुशियारा रिवर से पानी को निकालना है, ताकि जो ड्राई सीजन होता है जहां पे उनके पास पानी नहीं पहुंचता वहां से हम पानी लेके पहुंचा सके जो भी वाटर डेफिशिएंट डिस्ट्रिक्ट्स या जो भी वाटर डेफिशिएंट एरिया होते हैं। तो इसके लिए एक प्रोजेक्ट है, दैट इज रहीमपुर प्रोजेक्ट। केनाल बनाई जाएगी, एक केनाल बनाई जाएगी। सपोज दिस इज द कुशियारा रिवर, इससे केनाल बनाई जाएगी। केनाल क्या है? सिर्फ पानी डाइवर्ट करने के लिए। और वो केनाल का नाम क्या है? रहीमपुर। रहीमपुर प्रोजेक्ट इसका नाम है। केनाल बनाई जाएगी ताकि जो कुशियारा रिवर है उससे पानी निकाल के जो वाटर डेफिसिट एरिया है वहां पे पहुंचाया जाए। तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट, ये सवाल है, आपको इसका आंसर देना है। वेरी इजी क्वेश्चन, यू कैन आंसर। कुशियारा रिवर इज ट्रांस बाउंड्री रिवर बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? वेरी इजी, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार एंड भूटान। आपको इस चीज का सवाल का आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कुशियारा रिवर के बीच में क्या क्या चीजें हैं जो आपको याद में रखनी है। थैंक यू।